हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कर आई हूँ चिकन तंदूरी की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे विदाउट ओवन, विदाउट तंदूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें जो है बहुत ही बेसिक मसाले यूज़ करने वाले हैं, और गोश्त भी मैं यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि आप थाई का यूज़ करें। तो चलें, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ ना मैंने ले लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन, यानी कि 3 पाउच चिकन मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो चिकन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है चेस्ट पीस भी है, यहाँ पर लेग पीस भी है, और यहाँ पर जो है ना थाई के भी छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास थाई पीस नहीं होगा तो आपने जो है ना वो तंदूरी बनाना ही नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आज मैं आपको, देखें, मिक्स पूरा चिकन है मेरे पास, तो इससे मैं आज आपको तंदूरी बनाना बता रही हूँ। ये देखिए क्यूब में हुआ हुआ है और जो है बिल्कुल कटा हुआ है, और यहाँ पर जो है ना मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद जो है ना स्टेनर में रख के आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, इसका पानी आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो अब जो है ना हम इसको मैरिनेट करते हैं। देखिए, चिकन को मैरिनेट करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी 1 से 1.5 चुटकी जो है मेरे पास यहाँ हल्दी, और 1/4 टीस्पून है नमक। तो सबसे पहले तो हम ये डाल देंगे, और इसी के साथ चला जाएगा इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये आपने ना अच्छे से लगा लेना है हाथों से, जो है ना आपने इसको। तो देखें, मैंने जो है ना चिकन को मैरिनेट करने के लिए साइड पर रख दिया है। तो अब यहाँ मैंने ले लिया है 1 बाउल में 1 कप दही। तो ये 1 कप दही, और ये देखिए थोड़ा सा आपने जो है ना गाढ़ा वाला दही लेना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक का यूज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें चली जाएंगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और इसमें चला जाएगा जी 1.5 टीस्पून चाट मसाला। तो ये थोड़ा सा हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा। तो यहाँ मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया है, और इसमें अब मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी 1.5 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी सूखे धनिया का पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और लास्ट पे इसमें चला जाएगा कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून। और तंदूरी फ्लेवर देने के लिए जो है ना हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल मैं बना रही हूँ। तो कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो बस अब इस तमाम मिक्सचर को ना हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, चिकन को हमने मैरिनेट किए हुए जो है ना 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये सिर्फ हमने जो लहसुन और अदरक और नमक लगाया था ना, ये वो सब कुछ मैरिनेट किया 15 मिनट घुसने। तो अब जो हमने मसाला बनाया ना दही वाला, वो सारा हम डालेंगे इसके ऊपर, और अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। देखिए, गोश्त को मैरिनेट किए हुए ना 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मैरिनेट कर दिया। तो अब यहाँ मैंने एक ले लिया है सॉस पैन, तो ये नॉन स्टिक है, तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच ऑयल के। तो बस इस ऑयल को ना हमने इस तरह से सॉस पैन में अच्छे से घुमा देना है। तो अब हम इस ऑयल में हमारी ये जो बोटियां हैं ना, तो इसको हमने ना इस तरह से, देखें, थोड़ा सा इससे हमने मसाला हटा कर तो इसमें रखते जाना है। जो अलग से मैंने मसाला बचा कर रखा था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने यहाँ पकने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से जो है ना हमारा मसाला भी ज़ाया नहीं होगा। तो अब जो हमने इसमें पानी डाला है ना, बस सिंपली हमने इस पानी को ड्राई कर लेना है, तो ये हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, तंदूरी मसाला। तो देखिए, मैंने चिकन को जो है ना 5 से 6 मिनट हो गए हैं इस तरह से फ्राई करते हुए। तो अब देखिए, जब मैं इसको उलट पलट के कर रही हूँ ना, तो ये इस तरह से जो है ना आपको दिख रहा होगा तंदूरी सा इसके ऊपर आ रहा है टेक्स्चर। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि नॉन स्टिक पैन में, तो आपको जो है ना फिर किसी भी एयर फ्रायर और तंदूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बस इसी तरह से जो है ना हमने इसको उलट पलट के, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो बस अब मैं इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और निकाल लूँगी।
कि अगर आपका जो है ना बोटियों पे तंदूरी टेक्सचर नहीं आता, तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह से एक बोटी को उठाना है। तो अब जो है ना डायरेक्ट इस तरह से आपने इसको रख देना है। तो ये देखें, ये जब आग इस पर लगेगी ना, तो तंदूरी फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा इसमें जी। तो देखें, यहाँ जो मैंने मसाला बनाया था ना, इसको मैंने अब चूल्हे से उतार लिया है। तो अब ये देखें, हमारी जो तंदूरी चिकन है ना, वो भी मैंने सारी इस तरह से जो है ना ग्रिल करके रख ली है। तो अब हमने जो है ना इस मसाले में ये सिंपली चिकन उठाकर तो इस तरह से ना रख देंगे। कोट नहीं करेंगे भी मसाले में, सिर्फ हम इसको जस्ट सेट कर रहे हैं। अब जो सेंटर में जगह छोड़ी थी ना, उसमें हम रख देंगे इस तरह से कोयला। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ ड्रॉप्स ऑयल की। तो ये है सबसे मेन स्टेप है तंदूरी फ्लेवर देने के लिए। तो इस तरह से जो है ना, हम कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाल देंगे और इसे कवर। देखिए, ये है फाइनल लुक। तो ये देखें, इस तरह से ना मैंने प्लेटर को आज सजाया है। तो ये है आज का हमारा डिनर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। और इस तरह से जो है ना, मैंने आपको बताया है कि आप बिल्कुल इजीली घर पे बना सकें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का भरपूर ख्याल रखिएगा, और ट्राई कीजिएगा आज की रेसिपी, फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।